लूट की घटना को अंजाम देने के लिए आरोपी पर चलाई गोलियां। नमस्कार, मैं हूं नीति शाह और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। बाबा बिसु राउत पहुंच पथ के आरोपी पर अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम देने के लिए गोली मारकर घायल कर दिया। स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए छोटू को अनुमंडलीय अस्पताल नवगछिया पहुँचाया। वहाँ से घायल को इलाज के लिए भागलपुर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। गोली कांधे में लगी है। बताया जा रहा है कि छोटू यादव अपाची बाइक से घर के लिए जरूरी सामान खरीदने के लिए नवगछिया बाजार जा रहा था। दो बाइक पर 5 की संख्या में अपराधी थे। ओवरटेक कर बाइक रुकवाया और रुपए की मांग करने लगे। रुपए ना देने का विरोध किया तो गोली चला दी। रेलवे ओवरब्रिज पे किसको गोली लगा? ये मेरे चचेरा भाई को। क्या नाम है? छोटू यादव। घर दादपुर है। पिता सुखदेव यादव है। क्यों गोली मारी? ये सर पता नहीं क्यों गोली मारी। कारण सर नगोछा आ रहा था। कारण क्या बताएंगे सर? किधर से आ रहा था? ये दादपुर से आ रहा था, श्रीपुर होके इधर ओवरब्रिज तरफ 0 माइल होके नगोछा आता। अच्छा, इसी बीच में गोली मार दिया। दादपुर कौन थाना पड़ता है? खरीफ थाना में सर, ढोड़िया दादपुर जी। जिसमें परिजन के द्वारा बताया जा रहा है कि वो कहीं से आ रहे थे तो उनको रोक के पैसे उसे लेने का प्रयास किया गया और इनके द्वारा विरोध करने पर गोली चला दी गई है। लेकिन ये प्राथमिक जानकारी है, अभी तुरंत परिजन है इनके साथ, हम लोग देखते हैं पीओ पर। और ये जो है जख्मी है, खतरे से बाहर है, लेकिन फिर भी बेहतर इलाज के लिए मायागंज इनको भेजा गया। पुलिस का बोल रहे हैं लेट से नौगछिया अस्पताल। नहीं, अब तो हम आपके सामने हैं। हमको लगता है कि 15-20 मिनट या आधे घंटे के पहले की घटना होगी, तो हम सब लोग गश्ती में ही थे। थोड़ा सा कहीं कोई काम में होता है तो 10-5 मिनट का लेट हो जाता है। जानकारी सर क्या निकल के आ रही है कि कितने के संख्या में अपराधी थे? ये इनके अनुसार तो 4-5 आदमी का बता रहे हैं, लेकिन एक्चुअल थोड़ा हम जानकारी ले लेते हैं इनके साथ ही जा करके वहाँ और आसपास के लोग, क्योंकि ये घटना पर थे नहीं, घटनास्थल पर थे नहीं, गए भी नहीं है। इनको किसी ने फोन करके बताया है, तो घटनास्थल पर जाके हम थोड़ा पता कर लेते हैं। और जख्मी से हमारी बात नहीं हुई है, इसलिए सही चीज का पता नहीं चल पा रहा है। तो एक टीम हम तुरंत अभी भेजते हैं भागलपुर में, जहां उनकी इलाज हो रही है। जो जख्मी है उनसे भी बयान लेंगे और पीओ पर हम खुद विजिट कर रहे हैं। थैंक यू सर। ये रहे हम। कहां कौन, पे है आपका? कौन है आपका? ये अंकल जी होता है। क्या नाम उसका? छठू कुमार यादव। घर दादपुर। कौन दादपुर? दादपुर। कहां से आ रहे थे? घर से आ रहा था। कहां जा रहे थे? अब ना कुछ आ रहा था। कौन गाड़ी से? अपाची बाइक से ना। कैसे, किधर से आ रहे थे? दादपुर से आ रहा था। तभी मेरे मित्र का फोन आया, ऐसे ऐसे मेरा मम्मिया ससुर को किसी ने गोली मार दिया है छिनतई करने में जी। मैं उनको वहां से गाड़ी पर से लोड करवा के इधर अस्पताल की तरफ भेजा और मैं खुद बाइक से चला। अभी मैं यहां आके अस्पताल में 3 बार मैंने अभी थाना में फोन किया है। ये आप देखिए, कॉल डिटेल्स देखिए। मैं भवेश कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष NCP से हूँ। हाँ, प्रदेश उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग। ये देखिए, 3 बार मैं कॉल कर चुका हूँ और थाना प्रभारी हमसे पूछ रहे हैं कि किन्हें गोली मारा था और किन्हें से आया, किन्हें चले गया। प्रशासन बताइए कहाँ है अभी? इस तरह की घटना को अगर अंजाम कोई देता है अपराधी, तो इसमें प्रशासनिक चूक है। हम लोग जब गाड़ी में और इस तरह से 2,000-5,000 जिसके पॉकेट में है उसके साथ इस तरह का घटना होगा, तो बताइए आम जन कैसे सुरक्षित रह सकते हैं हमारे देश में? और ये बिहार है, जंगल राज, इसको नहीं बोलेंगे फिर किसको बोलेंगे? जंगल राज लालू जी के सीजन में समय में हुआ करता था, आज के समय में महा जंगल राज है। लोगों के पास 5,000 रुपया है तो उसके लिए भी आपको गोली मार दिया जाएगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम भवेश कुमार सोनी है। कहाँ पे घटना हुई है? घटना ये आपका विजय पहुंच पथ पुल के आरओबी के पास हुई है। 0 माइल के पुल पे। कहाँ का रहने वाला है? ये रहने वाला दादपुर का है और ढोरिया दादपुर खरीक प्रखंड और खरीक थाना के अंदर। किसको गोली लगा है? छोटू कुमार नाम करके लड़का है, छोटू कुमार यादव। कहाँ आ रहा था, कहाँ जा रहा था? नौगछिया आ रहा था मार्केटिंग करने के लिए। ठीक ठीक है। नौगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी,
अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371177 7325052437।